वॉर फ्रंट पर अब एक ऐसा हथियार उतरने वाला है जो सबसे विनाशक और सबसे हाईटेक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ग्रे ईगल। ये न रडार की पकड़ में आता है, मिसाइलों से सटीक अटैक करता है। ये अमेरिका का ऐसा विनाशक हथियार है जिसके लिए यूक्रेन दो दो बार बाइडेन प्रशासन को मेल लिख चुका है, लेकिन बाइडेन ने दोनों बार कहा कि इतना विनाशक हथियार रूस के खिलाफ उतारने का मतलब होगा रूस की नाराजगी और बढ़ाना, युद्ध में परमाणु हमले की आशंका को और गंभीर करना। फिर अब यह हथियार यूक्रेन क्यों भेजा जा रहा है? यूक्रेन ग्रे ईगल से कौन सा बड़ा ऑपरेशन करने वाला है? माना जा रहा है कि यूक्रेन ग्रे ईगल से मॉस्को पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक जमीन से अचूक निशाना साधता है, दूसरा आसमान से कहर बरपाता है। रूस के सैनिकों को फिर गोला बारूद और जरूरी सामानों के लिए तरसाने का इंतजाम अमेरिका और ब्रिटेन करने जा रहा है। बर्फबारी के बीच रूस की सेना को मजबूर और लाचार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऋषि सुनक और बाइडेन ने अपने ताकतवर और घातक हथियारों की लिस्ट से दो ऐसे वेपन को चुना है जो यूक्रेन के टैंक, ट्रक, आर्टिलरी, गोदाम, बंकर को तबाह कर देंगे। इन दोनों हथियारों के नाम हैं ब्रिमस्टोन मिसाइल और ईगल ड्रोन। यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइल की खेप ब्रिटेन ने पहुंचा दी है, जबकि अमेरिका ईगल ड्रोन की सप्लाई शुरू करने वाला है। किसी मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की तरह नजर आने वाला यह वेपन ब्रिमस्टोन मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। यूक्रेन के लिए हथियार नया नहीं है, इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन कई बार रूस के टैंक और सैन्य काफिले को उड़ा चुका है। ब्रिमस्टोन मिसाइल 2 को अब अपग्रेड किया गया है। ब्रिटेन की कंपनियों ने इसकी रेंज को डबल कर दिया है, यानी यूक्रेन अब 40 से 60 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। पहले ब्रिटेन ने मैगजीन 20 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें दी थी। ब्रिमस्टोन मिसाइल अपने टारगेट से कभी भटक नहीं सकती, वजह लेजर सिस्टम का इस्तेमाल। मिसाइल के आगे रडार भी लगा है, जिसकी वजह से ये सिविलियन गाड़ियों की पहचान कर लेता है। तेज स्पीड में जा रहे ट्रक और टैंक भी इसके प्रहार से बच नहीं सकते। ब्रिमस्टोन मिसाइल को हवा से फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यूक्रेन में इसके लिए ट्रकों को खास तरह से डिजाइन किया गया है। लुहांस्क और डोनेस्क में अब यूक्रेन इन मिसाइलों के दम पर रूस की सप्लाई लाइन को खत्म कर सकता है, रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर सकता है। यूक्रेन में ब्रिमस्टोन पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका ईगल भेजने की तैयारी कर चुका है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के लिए ये खतरे की खबर है। अमेरिका के इस ड्रोन का नाम है ग्रे ईगल MQ-1C। अमेरिका का ये मशीनी बाज कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कहे जाने वाले मेड इन तुर्की ड्रोन भी इसके सामने कुछ नहीं। ग्रे ईगल MQ-1C का आकार तुर्की के ड्रोन से बड़ा है। बायरक्तार TB2 ड्रोन, इसका वजन तुर्की के बायरक्तार TB2 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बायरक्तार TB2 ड्रोन 22 किलो वाली तुर्की की मिसाइल MAML से लैस है। ये हेलफायर के वजन का लगभग आधा है। अमेरिकी ग्रे ईगल आसमान में 25 घंटे तक उड़ सकता है।
अमेरिकी ग्रे ईगल ड्रोन आसमान में एक बेस की तरह काम करता है। ये 25 घंटे तक आसमान में रहकर तस्वीरें लेता है, अलग अलग जगहों पर मूव करते हुए दुश्मन के पूरे इलाके की रेखी करता है। कई बार ये अपने टारगेट का पीछा करता है और आखिर हेल फायर मिसाइल से दुश्मन का खात्मा कर देता है। ग्रे ईगल ड्रोन की रफ्तार 309 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 29,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। बर्फबारी और बारिश में भी काम करता रहता है। AGM-114 हेल फायर मिसाइलों से प्रहार करता है। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन भेजने से पहले अपने ड्रोन में कुछ बदलाव किए हैं। अमेरिका को डर है कि उसकी तकनीक रूस के हाथ न लग जाए। अमेरिका अपने ड्रोन में सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर सिस्टम और कुछ तकनीक को हटा रहा है ताकि ये रूस के हाथ न लग सके। हालांकि इससे ग्रे ईगल की ताकत में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई, क्योंकि यूक्रेन में ग्रे ईगल का इस्तेमाल रूस पर मिसाइल प्रहार के लिए होगा। हेलफायर मिसाइल भी सेमी एक्टिव लेजर का इस्तेमाल करती है। हेलफायर मिसाइल 8 किलो के वॉरहेड से टारगेट पर अटैक करती है। 11 किलोमीटर दूर से हेलफायर मिसाइल दागी जा सकती है।